सच्चाई नाल चंगा राज आ सकता सी। मैं वायदा करदा तुहानूं कि ये ते अज आज संगरूर में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने बीजेपी वर्करों ने पंजाब सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए रोष प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने अपने किए हुए वादे पूरे नहीं किए और 50 दिन के अंदर अंदर पंजाब के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लाइव इंडिया न्यूज 24 के लिए संगरूर से धर्मवीर सिंह की रिपोर्ट। देखो मुद्दे तो बथेरे है, तुम सारे पता ही है कि आज पंजाब का की हाल है। पिछले 50 दिनों के विच इस सरकार ने एक भी अपना वायदा जो लोगों के सामने रखे सीगे और लोगों नू वो वायदे करके उन्होंने घबरा करके वो वोटा लेती सी, आज एक भी वो वायदा पूरा नहीं किया गया। तो वायदे ते और मुद्दे तो बथेरे हैं। आप सिर्फ उन्होंने एक ट्रेलर दिखाना चाहते सी अज कि जे तुसी पंजाब के लोगों ने जो वायदे किए हैं जो वो छेती तो छेती पूरे नहीं किए जाने तो फिर आप इस धरने होर भी बड़ा करांगे। और अज तो बाहर किया डीसी दफ्तर तो, अगली बार सानू अंदर करना पैना। देखो ये ढोंग है, अज मैं पढ़ रहा सी कि उत्तरांचल के अखबारों के भी इश्तहार लग्या। हुण मैनू दसो तुसी पंजाब के लोगों तो यह मंगे है कि दसे अपने विचार, पर उत्तरांचल ऐड लाने की लोड़ सी। तो यह ड्रामे है, आम आदमी पार्टी इन्हों की जो सरकार है यह लोगों एवं ड्रामे करके घुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लोगों यह तो दसो कि जो पिछले 2 हफ्तों के इस सरकार ने जो 7,000 करोड़ का कर्जा लेता है वो पहले पैसा गया कि पहले सारी अपने जो करतूत हैं पिछले 50 दिन की कितने कितने पैसा खर्चा किमें खर्चा गया पहले वो पेश करें पब्लिक नू, ते फिर पब्लिक को सुझा लेन। बिना पब्लिक नू दसन सुझा किमें ले सकती है। मैं तो कहना कि धरना देने की कोई लोड़ नहीं, तुसी जो वायदे किए पूरे करिए। हुण किसान रुलिया पाया, उन्हें बिजली नहीं आ रही, हुण थोड़ा जा मीह पिया, कल थोड़ी जी बचत हुई है, पर जे मीह नहीं पेगा इस बार तो किसान अपनी फसल किवें रखेगा। तो इस करके मैं अग्री करदा कि 50 दिन बहुत छेती है, पर जब सारे ही कोई वायदा पूरा नहीं होया तो लोग तो सड़क का ध्यान रोज बिल्कुल बहुत माड़ी गल है। तुसी वायदा किया दियो नौकरी, हूँ यह तो सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरियां कितने गई, प्राइवेट इंडस्ट्री कितनी है, बच्चे रुले पे हैं। पंजाब का मैं हमेशा कहता सी, आज भी कह रहे हैं, सब तो बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है और जब तक बेरोजगारी का आप हल नहीं कटांगे पंजाब का कोई हल नहीं। देखो पंजाब दे विच हले 50 दिन हुए सरकार बनी नूं, मैं नहीं समझता भी इतिहास दे विच इन्नी जल्दी किसी सरकार तो मोह भंग होया होवे। नशे का इन्ना ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है, रोज़ खबर आउंदियां ने फलानी जगह दे जा ओवरडोज होण नाल मौत हो गई, किसी का बच्चा नौजवान खत्म हो रहे हैं, किसान इन्नियां खुदकुशियां कर रहे हैं, जो वादे किए सी उन्हां दी खिलाफी हो रही है, रोज़ कतल हो रहे हैं। कल एक फगवाड़े के कतल होया, उस तो बाद लुधियाने के एक दंपति का कतल कर दिता गया, दिन दिहाड़े लुट्टा खोह हो रही ने। तो अज सरकार जगाने की कोशिश की है, लोग समझ चुके हैं, लोगों के रोह बहुत है, तुसी देख ही सकते हो। अज 50 दिन बाद कोई धरना होया होवे ते इन्ना ज़्यादा रोह होवे, लोग गर्मी के धुप के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो लोगों को जगाने की कोशिश है, तो लोग हुंगारा भी दे रहे हैं कि यह सरकार के खिलाफ लड़के लड़ाई लड़नगे ता जो इन्हां दे जो दावे सीगे जो इन्हां दीआं गरंटियां सी ओह पूरियां कराईआं जाण ते सरकार नूं जगाया जावे। कतल लुट्टा खोहां जो संप्रदायक तोड़न की कोशिश की जा रही है उन्हूं कितें ना कितें रोकिआ जाए। मैं हैरान हुंना कि आम आदमी पार्टी वल्लों वड्डे वड्डे इश्तहार दे के इह पुछिआ जा रिहा है भी तुहानूं की चाहीदा है। पहली गल तां पल्ले है नहीं, तेला करदी मेला मेला, बजट दा तुसीं तां लोन लै रहे हो, तुसी कर्जा लै रहे हो वड्डे वड्डे,
तो तुम पुछ रहे हो लोगों को। दूसरा रोज़ तो धरने लग रहे हैं, उन्होंने मंगा का पता नहीं तुहानू कि बजट के मंग पूरी करनी है। जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग सड़कों पर रुल रहे हैं, जिन्हें तुम डांगा चला रहे हो, जिन्हें तुम पगा ला रहे हो, औरतों दी चुनिया ला रहे हो, कि तुहानू दिखाई नहीं दिंदा भी उन्होंने की मंगा ने। वो मंगा पूरी करे सरकार। सरकार सिर्फ और सिर्फ जो सियासी हितों वास्ते सरकार नूं वरत्या जा रहा, लोगों का पैसा वरत्या जा रहा। हिमाचल ते गुजरात की इलैक्शन दे विच बेतहा लोगों का पैसा वरत्या जा रहा, तो जो 7000 करोड़ का कर्जा सरकार वालों लिया गया ये भी उत्थे वरत्या जाना है। पंजाब के लोग जागरूक ने, अज धरने के पहुंचे ने, जे हाले भी सरकार अपनिया गंदिया चालों तो पिछे नहीं हटती तो इस तरीके जोरदार धरना प्रदर्शन। ये सारे पंजाब जिला वाइज धरना भारतीय जनता पार्टी वालों लुटे गए थे, ते बड़े जबरदस्त तरीके हरेक जिले के धरना। अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड डीटीएच स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म। 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर।